रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जितने भी फैंस हैं उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का मौका आया है, क्योंकि एबी डिविलियर्स अब जल्द आपको बैंगलोर की टीम से जुड़ते हुए दिखेंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है जो कि हम आपको बताने वाले हैं कैसे एबी डिविलियर्स वापसी कर सकते हैं बैंगलोर की टीम में। जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना है। स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देरी किस बात की है, फटाफट सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी फटाफट प्रेस कर दीजिए। दरअसल एबी डिविलियर्स ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि आगे चल के वो जरूर बैंगलोर या फिर साउथ अफ्रीकन टीम के साथ काम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा जरूर कह चुके हैं, अब तो आईपीएल में भी आपको खेलते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिटनेस एक इशू जो है वो लगातार क्रिकेटर्स के लिए बनता जा रहा है। और एबी डिविलियर्स बीते कुछ सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और एकदम से टी20 फॉर्मेट में वापसी करना बाय बबल के दौर में आसान नहीं होता है। और बहुत ही क्लियर कट उन्होंने चीज़ें जो हैं उनका बखान किया, उन्होंने बताया है कि आगे चल के मैं ज़रूर सर्व करना चाहूँगा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को और होपफुली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो ये हो सकता है कि विराट कोहली जो कि फिलहाल एक अकेले खिलाड़ी रह गए हैं, उनको साथ एबी डिविलियर्स का ज़रूर था बैंगलोर की टीम के लिए, लेकिन अब अकेले विराट वहाँ पे हैं। मैक्सवेल ज़रूर आप कह सकते हैं कि वहाँ मौजूद हैं, लेकिन एबी डिविलियर्स की बात अलग थी, उनका एक स्ट्रेचर अलग था, एक अलग बेंचमार्क उन्होंने सेट किया था। और जब हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा प्यार किसी ओवरसीज़ खिलाड़ी को मिलता है, शायद आपके भी जहन में एबी डिविलियर्स का नाम सबसे पहले आएगा। ऐसे में विराट कोहली के लिए भी एक अच्छा खासा सपोर्ट, एक मेंटोर के तौर पर ज़रूर आप कह सकते हैं कि एबी डिविलियर्स आ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी कुछ जो है सीखा है यंगस्टर्स ने उनसे, जो भी उनका तजुर्बा था, इतने साल उन्होंने जो है आरसीबी के लिए खेला, साउथ अफ्रीका की कप्तानी करी। बैंगलोर की टीम के लिए ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसे कप्तान जो है ये टीम बनाती है, क्योंकि विराट कोहली कप्तानी छोड़ चुके हैं, मैक्सवेल वहाँ ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैक्सवेल का बल्ला नहीं चलता है तो क्या आप उन्हें ड्रॉप करेंगे? जो केकेआर ने मॉर्गन के साथ हमने देखा कि मॉर्गन का बल्ला नहीं चल रहा था, कप्तानी ज़रूर वो कर रहे थे लेकिन रिटेन नहीं हूँ मैं केकेआर की टीम में। तो कुछ बड़े फैसले हैं जो कि बैंगलोर को देखने होंगे। क्या डेविड वार्नर इस टीम से खेलेंगे? क्या मनीष पांडे, जिनको लेकर लगातार खबरें भी आ रही हैं कि बैंगलोर की टीम चाह रहा है कि उनको लेके आए, कप्तान बनाए, कर्नाटक से वो ज़रूर खेलते हैं, कर्नाटक से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं मनीष पांडे, तो क्या वो भी एक फ्लेवर लेके आना चाहेंगे? ये ज़रूर हमें वक्त बताएगा। लेकिन डिविलियर्स का आईपीएल में वापसी करना, बैंगलोर के साथ वापस जुड़ना, ये दिखाता है कि जो एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत होती है, उस एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है आपको इस फॉर्मेट में, उसमें सबसे फिट अगर वो खिलाड़ी बैठता है तो एबी डिविलियर्स है। एक मेंटोर के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका रहेगा यंगस्टर्स के लिए, बॉर्डिंग क्रिकेटर्स के लिए, बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं वो एबी डिविलियर्स से। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि डिविलियर्स के आने से कितना ज़्यादा फ़ायदा आरसीबी को हो सकता है, ये ज़रूर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।